स्टार्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फाइव टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट कॉम्बिनेशन मतलब जुड़ जाना, सेकेंड डीकम्पोजिशन मतलब टूट जाना, समझिए। कॉम्बिनेशन का मतलब टू आर मोर देन रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना दें, दो या दो से ज्यादा लोग मिलके एक प्रोडक्ट को बनाएं, वो हो गया कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन का मतलब एक प्रोडक्ट टूट के दो तीन रिएक्टेंट्स में डिवाइड हो जाए, तो हो गया डीकम्पोजिशन। अगला है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब कोई भी एक रिएक्टिव मेटल, रिएक्ट करने वाला मेटल जो रिएक्शन में ज्यादा उछल कूद करता हो, ज्यादा फुदकता हो, वो किसी दूसरे प्लेस पे जाके किसी दूसरे प्रोडक्ट के प्लेस को ले ले और उसको लात मार के भगा दे, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों दो लोगों के साथ यह घटना हो, भाई एक बार डिस्प्लेसमेंट में किया तो उनकी हिम्मत बढ़ी, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ, दो दो लोगों की जगह तीन होगा ट्रिपल स्टेटमेंट, चार होगा चौबल स्टेटमेंट डिस्प्लेसमेंट सॉरी। ठीक, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का मतलब जब ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन हटे, ऑक्सीजन जुड़े हाइड्रोजन हटे तो ऑक्सीडेशन, उसका जस्ट अपोजिट अगर हाइड्रोजन जुड़े और ऑक्सीजन हटे तो रिडक्शन। फाइव टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन हम आपको इस वीडियो में वन बाय वन करके बताएंगे, एक कॉम्बिनेशन, फिर डीकम्पोजिशन, फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, फिर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। उसके बाद हम आपको बताएंगे बैलेंस करना इक्वेशंस का, फिर आपका चैप्टर एंड। क्लियर? चलिए एक एक देखिए, केवल वन बाय वन समझिए। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, पहले आप डिफिनेशन लिख लें। हमें किसी ने कहा है कि सर कमेंट करके कि सर डिफिनेशन लिखने में दिक्कत होती है, तो मैं डिफिनेशन भी आपको लिख देता हूँ, सुनिए। सच ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू आर मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलकर बना होता है उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए CaO plus H2O, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये दोनों क्या हैं रिएक्टेंट्स, और इन्होंने क्या बना दिया एक प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? सेम उसी तरह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो रिएक्टेंट हैं, इन्हें मिलके क्या बनाया H2O। इधर तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, पांच हो सकते हैं, दस बीस दो चार लाख हो सकते हैं, आई डोंट केयर। LHS में दो से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो बस, RHS में लेकिन एक होगा, समझो ध्यान से। अगर RHS में केवल सिंगल, LHS में चाहे जितने तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन चाहे जितनी बड़ी हो। ठीक, इधर H2 plus Cl2 मिलके क्या बन गया HCl, ये दोनों क्या हैं रिएक्टेंट, ये क्या है प्रोडक्ट। फिर आ जाइए CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, ये क्या है रिएक्टेंट, तो फिर प्यारे मिस्टेक हो गई भैया। अब आप ध्यान से समझिए, ये बताइए क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ये रही आपकी रिएक्शन, बताइए क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो कैसे, नहीं है तो क्यों, जल्दी टाइम बहुत कम है, नहीं है क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर दो दो रिएक्टेंट बन गए हैं CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2, एक तो यही बना, ये दोनों रिएक्टेंट हैं, इससे CaCO3 बना, लेकिन H2O यहां का कर रहा भैया को बुलावा ही का, तो ये रिएक्शंस कॉम्बिनेशन नहीं है, ये है बिल्कुल है प्यारे। देखिए इधर रिएक्टेंट एक है, सॉरी प्रोडक्ट एक है, रिएक्टेंट दो है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बात क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में, एकदम झकास मामला सेट ना। चलिए इसको तुरंत नोट कर लीजिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का मामला क्लियर। अब अगली रिएक्शंस हम कौन सी पढ़ेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, फिर से रिवीजन कर लें। ऐसी रिएक्शंस जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर के एक प्रोडक्ट को मेक करते हैं, बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इट इज अ क्लियर। अब हम अगली बात करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस की, लेकिन उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर हमसे मिलना पड़ेगा। इसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन में।